राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई राहुल गांधी फैज अहमद फैज के, बहन प्रियंका गांधी मकबूल फिदा हुसैन की फैन है। पूरा देश गांधी परिवार के तुष्टीकरण को समझ गया है। उन्होंने आगे कहा कि आलोचना जब बगैर गुण दोष के होती है तो उसमें विकार आ जाता है, जैसे कमलनाथ में आया है। मिश्रा ने कहा कि विकार बाहर से आकर अंदर समाहित हो गया है, अब कांग्रेस के अंदर भी तुष्टीकरण हो रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी हमेशा छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहे, मुख्यमंत्री थे तब भी, और शायद इसीलिए वह हमें भी एक क्षेत्र तक सीमित करना चाहते हैं। वही कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रशांत किशोर जी एक योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता है। वैसे भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पीके की कांग्रेस में एंट्री से घबरा रहे थे और अब खुश होंगे। भैया फैज अहमद फैज पे है, बहन एमएम हुसैन पे हैं। आप पूरा का पूरा कल्चर तो देखिए किस तरह से तुष्टीकरण के लिए लगा हुआ है। भैया हो चाहे बहन हो, देश इनको अब समझ गया है, पूरे गांधी परिवार को। मुरैना में 144 के तहत उसका जवाब देंगे वो जो नेता मंत्री, बिना समिति के भी जवाब दे सकते हैं। अगर दुष्प्रचार कोई हो रहा है तो उसके लिए समिति बनाने की क्या जरूरत है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अब कांग्रेस के अंदर भी तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। विकार बाहर से आया, अंदर समाहित हो गया है। खरगोन के सांसद ने प्रशंसा, सभी को करना चाहिए, पर स्वाभाविक रूप से जब आलोचना गुण दोष के आधार पर नहीं होती है तो विकार आ जाते हैं, जैसा कमलनाथ जी में आया। स्वाभाविक रूप से साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सबकी जानी। वो हमेशा खुद छिंदवाड़ा तक ही रहे, जब मुख्यमंत्री थे तो छिंदवाड़ा के ही कहलाते थे, और इसलिए वो हमको भी सीमित करना चाहते होंगे। राहुल गांधी ये कह रहे थे, जो सीबीएस ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है, और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पर विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है, और कांग्रेस एक डूबता जहाज, और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा, ये तो बहुत योग्य है।